हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एचआर रेटिंग। आप भी कुछ इस तरीके का रील अपने इंस्टाग्राम रील्स में देखे ही होंगे। इस रील को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 60 फोटो ऐड करना पड़ेगा। उस 60 फोटो को आपको एडिट करना पड़ेगा। उस तरीके का एडिट करने के लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप कर एंड तक जरूर देखना पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो को स्किप करें तो आपको कैसे एडिट करते हैं पता ही नहीं चलेगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देखना। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। और मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज, इस तरीके का वीडियो एडिट करने के लिए आपको VN ऐप का जरूरत पड़ने वाला है। VN ऐप आपको प्ले स्टोर में और आई स्टोर में इजीली मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड होने के बाद आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और आपको इंस्टॉल होने के बाद आपको VN ऐप को ओपन करना पड़ेगा। VN ऐप ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख जाएगा। तो नेक्स्ट आपको यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट को चूज करना होगा। न्यू प्रोजेक्ट को चूज करने के बाद आपको अपने 60 फोटो को ऐड करना पड़ेगा। फोटो ऐड होने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख जाएगा, तो आपको नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करना होगा और इसका रेशियो आपको 9:16 रखना होगा। तो नेक्स्ट आपको इस सभी फोटो को एडजस्ट करना पड़ेगा। फोटो कुछ इस तरीके से ऐड होने के बाद आपको इस ब्लैक बैकग्राउंड को डिलीट करना होगा और नेक्स्ट आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे आना होगा। स्टार्टिंग पॉइंट पे आने के बाद आपको इस बार सॉन्ग ऐड करना पड़ेगा। सॉन्ग ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और इधर से आपको म्यूजिक को चूज करना होगा। तो नेक्स्ट आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में इस सॉन्ग का लिंक मिल जाएगा, तो आपको वहां से डाउनलोड कर लेना है। सॉन्ग डाउनलोड होने के बाद आपको इस सॉन्ग को ऐड करना पड़ेगा। सॉन्ग ऐड होने के बाद आपको इस सॉन्ग पे क्लिक करना होगा और बीट्स पे आना होगा। बीट्स पे आने के बाद आपको हमारा सॉन्ग का बीट यहाँ से शुरू होगा। तो नेक्स्ट आपको यहाँ से आपको एक बीट लगा लेना है। बीट लगाने के बाद आपको यहाँ से राइट क्लिक करके बैक आना होगा। बैक आने के बाद आपको इस फर्स्ट फोटो को चूज करना होगा और इधर आपको ट्रिम ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस ट्रिम ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और इस फोटो का साइज आपको 5 सेकंड रखना होगा। 5 सेकंड रखने के बाद आपको यहाँ से राइट क्लिक कर लेना है और नेक्स्ट आपको इस फोटो को चूज करना होगा और यहाँ से आपको ट्रिम ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस ट्रिम ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और इसका साइज आपको 0.10 सेकंड रखना होगा। और इसी तरीके से आपको सभी फोटो को 0.10 सेकंड रखना होगा। और कुछ इस तरीके से सभी फोटो ट्रिम होने के बाद आपको फिर से फर्स्ट फोटो पे आना होगा और इस फोटो को आपको इस लाइन तक एडजस्ट कर लेना है। और नेक्स्ट आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे आना होगा और इधर से आपको टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा। टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, इधर से आपको टेक्स्ट ऑप्शन को चूज करना होगा और यहाँ से आपको टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा। टेक्स्ट ऐड होने के बाद आपको इस टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा। फॉन्ट चेंज करने के लिए आपको इधर से फॉन्ट ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा और यहाँ से आपको इस फॉन्ट को ऐड करना पड़ेगा। और नेक्स्ट आपको कलर ऑप्शन पे आना होगा। कलर ऑप्शन पे आने के बाद आपको इस कलर को चूज करना होगा और इस टेक्स्ट को आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। और नेक्स्ट आपको अप्लाई टू ऑल करना होगा और नेक्स्ट आपको इस लेयर को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। कुछ इस तरीके से लेयर एडजस्ट होने के बाद आपको इस लेयर को डुप्लीकेट करना होगा। डुप्लीकेट किया हुआ लेयर को चूज करना होगा और इस लेयर को आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है।
और इस लेयर का आपको टेक्स्ट चेंज करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से टेक्स्ट ऐड होने के बाद हमारा वीडियो क्रिएट हो चुका है, तो आपको एक बार प्ले करके दिखा दूंगा। तो कुछ इस तरीके से वीडियो एडिट करने के बाद आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना होगा। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और इस तरीके से सेटिंग रख के आपको यहाँ से राइट क्लिक करके छोड़ देना है और हमारा वीडियो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट होकर हमारा गैलरी में सेव हो जाएगा। तो गाइज, आप भी कुछ इस तरीके का वीडियो को अपने VN ऐप पे एडिट कर सकते हो। तो आई होप गाइज इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना और मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले इसी तरीके से और एक वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।